दोस्तों ये सीरीज और बहुत सारे मस्ट वॉच मूवीज और सीरीज सिर्फ Amazon प्राइम वीडियो पर ही अवेलेबल है, मगर अनफॉर्चुनेटली Amazon प्राइम वीडियो आता है 999 रुपए में, वो भी सिर्फ एक साल के लिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, अब आप पा सकते हैं Amazon प्राइम वीडियो सिर्फ 600 रुपए में, वो भी पूरे साल के लिए। कैसे, ये जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे तुरंत कॉन्टेक्ट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। पाताल लोक सीजन 1 ये रिलीज हुई ऑल ओवर इंडिया में Amazon प्राइम वीडियो पर 15 मई 2020 को। इसका पहला सीजन कंसिस्ट करता है 9 एपिसोड का, हर एक एपिसोड लगभग 40 मिनट के हैं, तो ओवरऑल सीजन 1 को आप मात्र 7 घंटे में देख सकते हैं। स्टोरी फॉलो करती है दिल्ली के पुलिस ऑफिसर हाथीराम चौधरी पर, जिनका किरदार निभाया है जयदीप अहलावत ने। इसमें कोई शक नहीं है कि न सिर्फ ये टैलेंटेड एक्टर हैं बल्कि इस सीरीज की जान थे, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता भी है कि ये एक बहुत ही अंडररेटेड एक्टर हैं, और कहीं ना कहीं ये सीरीज इनको वो लाइमलाइट देती है जो लाइमलाइट ये डिजर्व करते हैं। तो हाथीराम एक नॉर्मल पुलिस ऑफिसर की घिसी पिटी जिंदगी जी रहे होते हैं, जब अचानक इनको एक केस मिलती है जहां पर 4 लोग एक जर्नलिस्ट को मारने की कोशिश करने में पकड़े जाते हैं। ये जर्नलिस्ट बहुत ही हाई प्रोफाइल होता है, इसलिए ये केस भी उतनी ही बड़ी हो जाती है, जिससे अगेन हाथीराम को लगता है कि अगर उन्होंने इस केस को सॉल्व किया तो उनकी घिसी पिटी जिंदगी में कुछ तो अच्छा हो सकता है, जिससे उनका करियर छा सकता है। बट लिटिल डज ही नो, ये केस की जितनी छानबीन करते हैं उतने ही डार्क कॉन्स्पिरेसीज खुलकर सामने आते हैं। सो आखिरकार कौन है ये 4 लोग और क्यों इस जर्नलिस्ट को मारना चाहते हैं, और आखिरकार हाथीराम को क्या सच्चाई पता चलती है, कुछ इसी स्टोरी को गजब के कनेक्शन के साथ में एक्सप्लोर करती है ये सीरीज, जिसका नाम है पाताल लोक सीजन 1। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सीरीज का टाइटल एक नंबर है और अपने सीरीज के टाइटल के साथ में ये सीरीज पूरी जस्टिस करता है। सीरीज के स्टार्टिंग में हाथीराम के थ्रू हमें पाताल लोक, धरती लोक और स्वर्ग लोक के बारे में डिफरेंसेस पता चलते हैं, जो कि ऑफ कोर्स हाथीराम ने व्हाट्सएप पे पढ़ा होता है। यहाँ पर बेसिकली अमीर लोगों को स्वर्ग की कैटेगरी में डाला गया है, जहाँ पर हम बेसिकली रिच पॉलिटिशियन और पावरफुल लोगों को ऐड कर सकते हैं, और हाथीराम और मिडिल क्लास लोगों को धरती लोक पर बताया गया है, क्योंकि इन लोगों के होने न होने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और फाइनली पाताल लोक में इन 4 लोगों को डाला गया है जो कि इस जर्नलिस्ट का असैसिनेशन यानी कि मर्डर करने की सोचते हैं। अब यहीं से स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि यहीं से हर एक लोक पर और इस लोक में बसे जितने भी लोग हैं उन सभी पर ये सीरीज इक्वली फोकस करती है, जहां पर अगर सिंपली ब्रॉड तरीके से कहूं तो इंसान और इंसानियत की सच्चाई खोल कर सामने रख दी गई है। सीरीज जब इन 4 क्रिमिनल्स के ऊपर फोकस कर रही थी तो मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि शायद ये सीरीज धर्म, जात पात एक्सेट्रा पर फोकस करने वाली है, एंड फॉर अ मोमेंट यहीं से मैं थोड़ा सा सीरीज देखने में अनकंफर्टेबल फील करने लगा था, क्योंकि जब भी कोई भी धर्म, जात पात एक्सेट्रा की बात आती है तो मैं थोड़ा पीछे हट जाता हूँ, क्योंकि इतिहास गवाह है कि धर्म, जात पात के नाम पर लाखों लोगों की कुर्बानियां दे दी गई है। तो मैं ऐसे टॉपिक से हमेशा पीछे ही रहता हूँ और सिर्फ एक ही धर्म में मानता हूँ, इंसान और इंसानियत, जियो और जीने दो। बट टू माय सरप्राइज, जैसे ही मैं सीरीज आगे देखता गया, सीरीज वही मैसेज एग्जैक्टली उसी तरीके से डिलीवर करती है जो मैं सोच रहा था, और वो ये है कि धर्म, जात पात के नाम पर लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है और एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली सीरीज आगे जाकर धर्म, जात पात से भी बढ़कर एक बहुत ही बड़ी टॉपिक बन जाती है। सो सीरीज की स्टोरी एक नंबर थी, सीरीज की स्टोरीज को, छोटी छोटी स्टोरीज को कैसे जिस तरीके से बड़े प्लॉट के साथ में, बड़े स्टोरी के साथ में कनेक्ट किया गया है वो देखने लायक था। सीरीज की स्टोरी इतनी अच्छी थी कि रात को 4 बजे मैं मुंह धो धो कर ये सीरीज देख रहा था, कुछ इतनी इंप्रेसिव लगी मुझे इसकी स्टोरी। क्यों इस सीरीज की स्टोरी इतनी अच्छी है, इसका कारण ये भी है कि सिर्फ 9 एपिसोड में क्रिएटर्स ने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, एक पुलिस ऑफिसर की जिंदगी, उसका पास्ट और प्रेजेंट के पर्सनल लाइफ के कॉम्प्लिकेशन, उसकी चाहत, पॉलिटिक्स के एंगल कवर होते हैं, मीडिया की सच्चाई सामने आती है, धर्म जात पात के नाम पर क्या क्या होता है वो देखते हैं, भाई कैसे भाई का दुश्मन हो जाता है वो देखते हैं, पैसे के लिए कोई कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, और कैसे किसी का एहसान कैसे किसी की जिंदगी बदल देता है हम तो ये क्लियरली देखते हैं। एंड आई थिंक यही इस सीरीज का स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि इतनी सारी चीजें इस सीरीज ने मात्र 9 एपिसोड में डिलीवर की हैं। सीरीज में हाथीराम यानी कि जयदीप अहलावत के अलावा भी काफी नोटिसेबल कैरेक्टर्स ने काम किया है, जैसे कि अभिषेक बैनर्जी ने एज विशाल त्यागी। ये बंदा एक के बाद एक, एक से एक मूवीज और सीरीज में काम किया जा रहा है और एक से एक
इम्प्रेसिव परफॉर्मेंसेस दिए जा रहे हैं। I mean, मिर्जापुर में ये उस्तरा लेकर सबकी बजाता था, इस सीरीज में हथौड़ा लेकर सबकी बजाता है। आई डोंट नो, शायद से अभी नेक्स्ट टाइम ये AK-47 लेकर आ जाएंगे। तो बहुत लिमिटेड डायलॉग्स हैं इनके, मगर डायलॉग से ज्यादा इनके एक्सप्रेशन और हरकतें देखने लायक थे। सीरीज में और भी बहुत सारे छोटे छोटे येट नोटिसेबल कैरेक्टर्स थे जो कि ट्रस्ट मी सीरीज में जान फूंक देते हैं। सीरीज में मुझे मरियम बेन रोनाल्डो सिंह की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। इन्होंने तो सीरीज के एंड में ऐसा डायलॉग मारा कि मैं ऑलमोस्ट रो दिया यार। ट्रस्ट मी, एंड में इनके बारे में जो दिखाया गया है, आप लिटरली रो दोगे, मेरी आंख ऑलमोस्ट भर आई थी। सीरीज में रह रहकर थोड़े बहुत अडल्ट सीन्स है, न्यूड सीन्स है, स्पेशली इस सीरीज में गालियां हद से ज्यादा है। सो अगर आप इस सीरीज को फैमिली के साथ में देखने की सोच रहे हैं, सो इट विल बी अनो। ओवरऑल कहूँ दोस्तों तो सीरीज एक मस्ट वॉच है, आपको जरूर देखनी चाहिए। अमेजोन ने अभी तक जितनी भी सीरीज लॉन्च की है सारे के सारे एक से एक मस्ट वॉच है, और कभी भी अमेजोन ने हमें डिसअपॉइंट नहीं किया है अपने सीरीज से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही बेहतरीन सीरीज, चाहे भले ही महीने में एक हो या दो तीन महीने में एक हो, Amazon लाता है। सो इसीलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 10/10। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू Amazon प्राइम वीडियो की सीरीज पाताल लोक सीजन 1 का। अगर आपको हमारे ऐसे सीरीज रिव्यूज, मूवी रिव्यूज Netflix, Amazon, Hotstar, Voot, Z5 ऑफर्स अगर पसंद आते हैं, और ऐसे ही ऑफर्स से अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यू ऑल हैव अ सेफ डे।